हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। तो चलिए आज मैं लेके आई हूँ एक न्यू रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें एक चम्मच ऑयल डाल लेते हैं। फिर उसमें थोड़ा सा मैं जीरा ऐड कर देती हूँ, जीरे को थोड़ा सा चटकने देते हैं। उसके बाद थोड़ी सी मैंने इसमें मस्टर्ड यानी कि सरसों ऐड की है। आप थोड़ी सी सरसों का ही यूज करें, इसमें थोड़ी सी सरसों के दाने का मैंने यूज किया है। फिर मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है। अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से भुनने देते हैं और थोड़ा सा इसको हम चला देते हैं। ये अच्छे से हमारी भुनकर तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर गोल्डन हो चुका है। तो अब मैं आगे की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो इनको कंटिन्यू हम ऐसे ही मीडियम लो पर पकाएंगे। फिर इसमें मैंने एक गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब इसको मैं पानी में अच्छे से बॉयल आने देते हैं। जब हमारे पानी में हल्का सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तब हम आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ज़्यादा चीज़ों को ऐड नहीं किया है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मस्टर्ड और थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स। फिर हम इसमें अपनी जो सूजी होती है ना उसको ऐड कर देते हैं। मैंने एक प्लेट थोड़ी सी एक कटोरी के अंदाज से सूजी ऐड की है। आप अपनी अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं जितना आप बनाना चाहें। अब इसको हम ऐसे चला देते हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा जब तक थिकी ना हो जाए इसको कंटिन्यू हम ऐसे ही चलाते रहेंगे और इसको ऐसे ही मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं सूजी ने हमारा अलग कलर एक्सचेंज कर दिया है। तो अब हम इसको एकदम थिकी, जब तक हमारा सारा पेस्ट एकदम इकट्ठा ना हो जाए, हम इसको मीडियम लो पर ऐसे ही पकाते रहेंगे और धीमे धीमे इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं ये हमारा लगभग पक चुका है और सारा पेस्ट हमारा इकट्ठा हो चुका है। तो अब हम गैस की लो को बंद कर देते हैं। अब देखते हैं हमारा ये मसाला एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं ये और भी थिकी हो चुका है। तो फिर हम एक इसे बॉयल में ले लेते हैं। सारा जो भी पेस्ट हमने तैयार किया है सूजी का वो हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। ये हमारा ज़्यादा पतला नहीं बना है, एकदम थिकी सा बनकर तैयार हुआ है। फिर मैंने दो बॉयल आलू ले ली। आलू को मैंने बॉयल कर रख लिया था। इनको हम मेसर की मदद से मेस कर लेते हैं और छोटे छोटे हमने दो आलू बॉयल कर लिए थे। तो दोनों आलूओं को हम इसी मसाले में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आलू मैंने इसमें क्रिस्पी के लिए ऐड किया है। आलू और सूजी का जो भी हमने डो बनाकर तैयार किया था वो हम एक दम लगभग कर लेते हैं। फिर हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा मैं इसमें कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी का यूज कर रही हूँ। ज़्यादा हल्दी मैंने यूज नहीं की है, मैंने थोड़ी सी हल्दी का ही उपयोग किया है। फिर मैंने थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी का भी यूज किया है। हल्का सा इसको मिक्स कर लेते हैं। धीरे धीरे सारे मसालों को हम इसी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी हल्दी का यूज किया था तो मेरा उसका डो का कलर हल्का सा पीला आया है। फिर मैंने दो चम्मच हमारा जो चावल का आटा होता है वो ऐड किया है। अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल ना हो तो आप मक्के का आटा डाल सकते हैं, और मक्के का आटा भी अवेलेबल ना हो तो आप दो चम्मच मैदे का यूज कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारे डो में परफेक्ट तरीके से मिल ना जाए तब तक हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू मिलाते रहेंगे जब तक ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब ये हमारा परफेक्ट तरीके से डो बनकर तैयार हो चुका है और इस ना ही ज़्यादा पतला बना है ना ही ज़्यादा थीका बना है। ये परफेक्ट तरीके से हमारा एक सूजी का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। फिर हम एक बोतल ले लेते हैं जो मार्केट से और हमारे ऑयल की बोतल आती है, तो मैंने वो बोतल को ले लिया है। उस बोतल को हम बीच से कट कर लेते हैं।
बोतल को मैंने बीचम बीच सेंटर से कट किया है, ज़्यादा छोटा नहीं करना है, इसको बड़ा कर बीच सेंटर से ही काटना है। आप देख सकते हैं मैंने ये काट कर तैयार कर लिया है। और इसका ये कैप है, आप इस कैप जब भी मसाला भरे तो इस कैप को लगा दें। ये आपको ये डिज़ाइन दिख रहा है, इसी से हम अपने टेढ़े मेढ़े बिंगो बनाकर तैयार करेंगे। तो इस कैप को मैं अच्छे से बंद कर देती हूँ। और मैंने जो सूजी का पेस्ट बनाकर तैयार किया था वो सारा इसी में मैं भर देती हूँ। और ध्यान रहे थोड़ा सा नहीं भरना है, जब तक हमारी बोतल ऊपर तक अच्छे से भर ना जाए इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू उसमें फिल कर देते हैं। फिर हम बोतल में अपना जो ढक्कन है उसको खोल देते हैं और उसको नीचे दबा देते हैं। अब हम मेसर की मदद से ऊपर से दबाते जाते हैं और हमारी जो थाली मैंने स्टील का यूज की है उसी में धीरे धीरे छोटे छोटे बिंगो टेढ़े मेढ़े डालते जाते हैं। वैसे मैंने ये आपको सोइंग के लिए दिखाया है छोटा सा, मैं डायरेक्ट कढ़ाई में अप्लाई करूँगी क्योंकि ये हमारा डो थोड़ा सा गीला रहता है तो ये चिपक जाता है, तो उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैं एक कढ़ाई ले लेती हूँ, उसमें मैंने 500 ग्राम के समथिंग ऑयल यूज किया है। मैंने इसलिए ज़्यादा यूज ऑयल डाला है क्योंकि हम जो भी अपने जो बिंगो टेढ़े मेढ़े बनाने वाले हैं ना तो वो अच्छे से इसमें डिप हो जाएं। फिर मैं बोतल ले लेती हूँ, उसी प्रोसेसिंग को मैं दोहराती जाऊँगी। और ऑयल को मैंने हल्का सा हीट कर लिया है, धीरे धीरे हम अपने सारे इसी में अभी ऊपर से हम मेसर की मदद से दबाते जाएंगे और बोतल से सारे बिंगो टेढ़े मेढ़े बनाते जाएंगे हम अपनी। जब तक हमारी कढ़ाई पूरी तरीके से भर ना जाए हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू इसी में ये प्रोसेसिंग दोहराते रहेंगे। आप देख सकते हैं मेरे ये कढ़ाई पूरी तरीके से भर चुकी है और आपको मेरे बिंगो टेढ़े मेढ़े इसमें अच्छी तरीके से नज़र आ रहे होंगे। और इसको हम गैस को मीडियम लो पर ही इसको पकाते हैं क्योंकि ये हमारे जब तक कुरकुरे क्रिस्पी ना हो जाएं, तो ये हमारे लगभग पक्कर तैयार हो चुके हैं और इनका कलर भी अच्छा सा गोल्डन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे परफेक्ट तरीके से बिंगो टेढ़े मेढ़े मैंने बनाए हैं। आपको मैं थोड़ा और दिखाऊंगी इसको कि आपको मेरे बिंगो टेढ़े मेढ़े कैसे लगे। और अच्छी तरीके से फिर मैं इस सारी बिंगो के जो चिप्स हैं ना निकाल लेती हूँ, फिर मैं एक बॉयल में आपको प्रेजेंट करके बताती हूँ। मेरा सारा ऑयल ऑब्जर्व हो चुका है, इसमें आपको बिल्कुल भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा होगा। तो मैंने टोमेटो केचप का यूज किया है, आप हरी चटनी जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप इसके साथ खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी परफेक्ट बिंगो टेढ़े मेढ़े बनकर तैयार हो गए हैं। आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए ये देखिए मेरी परफेक्ट बिंगो टेढ़े मेढ़े बनकर तैयार हैं। ये घर की रेसिपी है जो कि बच्चों को ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती है और बहुत ही क्रिस्पी और यम्मी बनकर तैयार होते हैं। वीडियो में मैंने आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छी तरीके से सिंपल तरीके से बनाकर बताया है, मैंने कोई भी मशीन का यूज नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं मेरे बिंगो टेढ़े मेढ़े एकदम टेढ़े मेढ़े बनकर तैयार हुए हैं।